तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है एक्चुअली, ये यहाँ पे गले में एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। अब आपकी जो बीमारी है वो उस पर निर्भर करती है कि ये अगर नॉर्मल काम कर रही है तब तो कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा तेज तेज काम करने लगे तब भी इससे बीमारी होती है जिसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें मरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, फुर्तीला होता है, बहुत खाना खाता है, भूख उसको बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वजन फिर भी नहीं बढ़ता है, उसकी आंखों का साइज बढ़ने लगता है, हार्ट की जो धड़कन है वो तेज रहती है, हाथ पैरों में पसीना आता है, ये कुछ हाइपर थायराइडिज्म के लक्षण होते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर ये जो ग्लैंड है वो कम काम करे, थायराइड ग्लैंड, तो उसके कारण जो है मरीज सुस्त रहता है, उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं महिलाओं में, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, ठंड मरीज को बहुत ज़्यादा लगती है। ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी के होते हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में इसमें आगे ये भी बात करेंगे समझेंगे के लिए ऐसा क्यों होता है। तो एक्चुअल में जो थायराइड ग्लैंड है वो तीन तरह के हार्मोन बनाती है, एक होता है थायरोक्सिन जिसको T4 कहते हैं, एक होता है T3 जिसको ट्राई आयोडोथायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है, और एक होता है कैल्सिटोनिन। इन तीनों हार्मोन का हमारे शरीर के हर एक फंक्शन में, सिस्टम में कोई ना कोई रोल होता है, ये पूरे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है उसमें अपना योगदान देते हैं। तो अगर ये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जिससे आपको इस तरह के लक्षण आने लगते हैं और कई बार इवन खतरनाक बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। तो इन दोनों बीमारियों का, इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं, नाम बड़े कॉमन से हैं, एक हाइपो है एक हाइपर है, और इस बीमारी का अर्थ जो है इनके नामों में ही छुपा है। आप देखिए, अगर आपका ग्लैंड कम काम कर रहा है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो TSH हार्मोन है उसका लेवल ज़्यादा होगा, और जो T3 T4 है वो या तो नॉर्मल लेवल में होंगे या उनका लेवल कम होगा। लेकिन जब हाइपरथायरॉयडिज्म की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो TSH है वो कम होगा लेकिन जो T3 या T4 है वो ज़्यादा बढ़े होंगे। तो ये तो हमने एक रिपोर्ट अगर आप जब कराते हैं तो उसमें क्या फाइंडिंग आती है उसके बारे में हमने बात कर ली। बट क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज फिर भी काफ़ी कम होते हैं, और महिलाओं में तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे लिंक है हार्मोनल इम्बैलेंस से। जब शरीर के अंदर और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में कोई भी अगर इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का, और कई बार जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे एक रिस्क हमेशा बढ़ा रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी बीमारी होने का, और जिसके अपने अलग लक्षण आते हैं। अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षणों की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, तो मरीज का वजन बढ़ने लगता है, मरीज को मोटापा हो जाता है, मरीज को भूख बहुत कम लगती है, वो खाना भी कम खाता है लेकिन उसके बावजूद उसका वजन बढ़ता रहता है, वो नींद आती है, सुस्ती आती है, उसको हमेशा लेटे रहने का मन करता है, स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, ठंडे हाथ पैर रहते हैं, लेकिन स्किन पर अगर आप ऐसे खींचेंगे तो व्हाइट कलर की लकीर बन जाती है स्किन की ड्राइनेस की वजह से। महिलाओं में जो मेंसेस है वो इरेगुलर हो जाते हैं, या तो कभी बहुत तेज आते हैं या तो कई बार आते ही नहीं है, या आते हैं तो बीच में भी आ सकते हैं। उसके बाद जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मसल्स की कमजोरी, ये सारे लक्षण जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी में आने लगते हैं। इवन सर दर्द वगैरह, मेंटल कन्फ्यूजन, ये सारे लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं, जिनके बारे में और हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि आपका हेड टू टो कोई भी हिस्सा नहीं बचता है जिसके ऊपर आपकी थायराइड की बीमारी का असर ना पड़ता हो, आपको मैं एक इमेज में थोड़ा सा यहाँ डिपिक्ट करके बता देता हूँ। इवन आप अगर अपने अंगूठे से या पैरों से ही शुरुआत करते हैं तो आपकी एड़ियों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, जो हील है उसके जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होती है। उसके अलावा आप अगर थोड़ा सा ऊपर और बढ़ेंगे तो आपको जो है मसल्स की वीकनेस शुरू हो जाती है, काफ मसल्स में वीकनेस होती है, उसके अलावा नी जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, आपको जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होती है। थोड़ा और ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो महिलाओं के अंदर जो है वो मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, हैवी ब्लीडिंग्स भी हो सकती है, या कई बार कई कई महीने तक मेंसेस ही नहीं आते हैं। मरीज को कॉन्स्टिपेशन रहता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत होती है, कब्ज की शिकायत होती है तो उसको और दूसरे पाइल्स या इस तरह के एनल प्रेशर जैसे बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो जो स्टमक है उसके अंदर इंडाइजेशन होने लगता है और मरीज को गैस ज़्यादा बनने लगती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म है जो वो ठीक से काम नहीं करता है शरीर का, पेट फूला फूला लगता है, जैसे ब्लोटिंग होती है उस तरीके का। और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो इवन लीवर के अंदर सूजन आने का डर बनता है, जॉन्डिस भी मरीज को हो सकता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों के अंदर। उसके अलावा मरीज को एनीमिया होने का, खून की कमी होने का खतरा भी बना रहता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में मरीज की जो हार्ट बीट है वो थोड़ी कम हो जाती है,
और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वैसे हार्ट को भी आपके इफेक्ट करता है, और अगर आपके हार्ट को इफेक्ट करता है तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के भी खतरे बढ़ जाते हैं, वो चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी हो। और अपने आप में जो ग्लैंड होती है फूलने, आपने देखा घेंगा रोग ग्वाइटर हो जाता है, गांठ ये जो पूरा गिल्टी है गांठ जो है ग्लैंड वो फूल जाती है, जिसको घेंगा रोग या ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपके आईब्रोज के बाल धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसको थिकनिंग ऑफ आईब्रोज के नाम से जाना जाता है। आपके सर के बाल थिन होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, गंजापन शुरू हो जाता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म इसका उल्टा होता है, आपके शरीर में बाल ज़्यादा होने लगते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म में ये भी होता है कि आपको मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, आपकी नर्व्स हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, और आपको सोचने समझने की शक्ति थोड़ी क्षीण होने लगती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हेड टू टो आपको थायराइड की बीमारी की वजह से और खासतौर से हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी से ये सारे लक्षण आने लगते हैं। और जो फिटस है इवन उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म की तो उसके बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है, माँ को भी थायरॉयडाइटिस हो सकता है और बच्चे को भी थायराइड डिस्फंक्शन हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि भैया प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम की जब एज आती है तो उसमें देखिए कि प्रेगनेंसी में ही दिक्कत होती है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की बीमारी है, कितनी बीमारी है, आपको कितनी डोज लेनी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ डाइटरी कंट्रोल भी आपको करने चाहिए, आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, थोड़ा ऐसे भोजन खाएं जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, और आप अगर हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे जिससे आपका हार्मोन इम्बेलेंस बिगड़ता हो, तो आपको इस बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें, और अगर कुछ हार्मोनल पिल्स रहते हैं तो आप उनको भी अवॉइड करें अपने डॉक्टर की सलाह के बाद। रही बात एक्चुअल ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए, अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है तो आपको थायरोक्सिन दिया जाता है, बट उसकी डोजेस बीमारी की सीवियरिटी और कितना आपका TSH का लेवल है या T3 T4 का लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो अपनी मर्जी से आप कभी भी कोई दवाई ना खाएं, इसमें आप अपने डॉक्टर की सलाह और मशवरे से ही दवाई खाएं। और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की दिक्कत है तो किसी अच्छे से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलें, अपनी बीमारी को डायग्नोस कराएं, कुछ समय पर उसका इलाज कराएं, सो दैट आपकी बाकी बॉडी के फंक्शन जो है वो ठीक से काम करते रहें। मुझे उम्मीद है आपने जरूर इस वीडियो से सीखा होगा, और वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इससे वाकई कुछ सीखा हो तो एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुँचे, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।